मानसून सत्र के चौथे दिन लोकसभा में किसानों से जुड़े दो विधेयक पास, सरकार ने जताई खुशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, विधेयक से सही मायने में किसान बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त होंगे। कामयाबी पर प्रधानमंत्री ने कहा, किसानों को उपज बेचने के नए अवसर मिलेंगे, उनका मुनाफा बढ़ेगा। पीएम मोदी ने किसानों को दिया भरोसा, एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले, किसानों की जिंदगी में आने वाला है क्रांतिकारी बदलाव। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने विपक्ष के आरोपों का भी दिया जवाब, कहा उनका विरोध सिर्फ सियासी। कुछ लोगों ने राजनीतिक दृष्टि से इसका विरोध किया है, क्योंकि इन विधेयकों में किसान के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी की तारीफ, कहा किसान अब बिचौलियों के शोषण से मुक्त हो सकेंगे। रामविलास पासवान ने भी की सराहना, बोले देश के किसानों और कृषि क्षेत्र का पूरा स्वरूप बदलने वाला है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, विधेयक का लोकसभा से पास होना एक नए युग का आरंभ है। कृषि विधेयक को लेकर हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पद से दिया इस्तीफा, जताई नाराजगी। इस्तीफे के बाद हरसिमरत कौर बादल ने आज तक से कहा, किसानों का भरोसा जीतने में नाकाम रही सरकार। जी, ये सारे किसान कोरोना की महामारी के समय अपने जान को जोखिम में डाल के आज जमीन पे उतरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भरोसा हम जीतने में नाकाम रहे हैं। लोकसभा में सुखबीर बादल ने बिल का किया विरोध, एनडीए में बने रहने के सवाल पर बोले, हमारे संबंध बेहद पुराने, पार्टी बैठकर करेगी फैसला। कहा था सरकार को, अगर ये ऐसे ही बिल लेके आओगे हम अपोज करेंगे और हम उस सरकार का हिस्सा नहीं रह सकते, सरकार से समर्थन भी वापस लेंगे। वो फैसला तो हम पार्टी लेगी, पार्टी हमारा नेक्स्ट। हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साधा निशाना, कहा ये अकाली दल के ड्रामे की नहीं कड़ी। कांग्रेस ने भी किसानों से जुड़े विधेयक का किया विरोध, राहुल गांधी ने बताया काला कानून। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर किया हमला, बोले ये जमींदारी का नया रूप, कृषि मंडी हटी, देश की खाद्य सुरक्षा घटी। केंद्रीय सांसदों ने संसद परिसर में विधेयक के विरोध में किया प्रदर्शन, जलाई कॉपी। किसानों से जुड़ा बिल पास होने पर एक्टर दिलजीत दोसांझ का ट्वीट, लिखा जय जवान जय किसान। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मिले सुखबीर बादल, किसानों के मुद्दे पर मांगा साथ, सूत्रों के मुताबिक पहले एमएसपी को लेकर केंद्र से सफाई मांगेंगे दुष्यंत। किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने दुष्यंत चौटाला पर भी उठाया सवाल, पूछा आपको पद प्यारा है, किसान क्यों नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार को देंगे चुनावी सौगात, 12 रेल परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समस्तीपुर के कोसी रेल महासेतु का पीएम करेंगे उद्घाटन, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी आधारशिला। यूपी के सीएम योगी का बयान, राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध। कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार पर मंथन, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे मुख्यमंत्री येदियुरप्पा। पीएम से मुलाकात के बाद जेपी नड्डा से भी चर्चा करेंगे येदियुरप्पा, मंत्री पद के लिए चार नामों पर सलाह मशवरा। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन समिति ने खोला मोर्चा, 25 सितंबर को देश भर में बंद का ऐलान। लखनऊ पुलिस ने आप सांसद संजय सिंह को भेजा नोटिस, 20 सितंबर को हाजिर होने को कहा। यूपी में जातिगत सर्वे के आरोपों को लेकर संजय सिंह को नोटिस, राजद्रोह का भी केस। मुंबई में रिया एंड ड्रग कंपनी से जुड़े मामले में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, बॉलीवुड एक्टर्स को नशे की सप्लाई करने वाला ड्रग पेडलर हिरासत में। आरोपी ड्रग तस्कर से करीब 2 करोड़ का गांजा जब्त, 4.5 लाख नकद भी बरामद, देर तक चला सर्च ऑपरेशन। मुंबई पुलिस ने 9 किलो गांजे के साथ 2 महिलाओं को पकड़ा, एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज। गिरफ्तार ड्रग पेडलर अनुज केशवानी का श्रॉबिक का नया व्हाट्सएप चैट सामने आया, ड्रग की डिलीवरी को लेकर दोनों में बातचीत। चैट में अनुज ने श्रॉबिक को भेजे गांजे की फोटो, इसके मुताबिक श्रॉबिक ने कहा था ठीक है ये मुझे दिलवा दो। आज तक के हाथ लगे सुशांत सिंह राजपूत के हाथ के लिखे नोट्स, कई शब्दों को लिखकर काटा। स्मोकिंग से छुटकारा पाना चाहते थे सुशांत, 27 अप्रैल 2018 के नोट्स में नो स्मोकिंग का जिक्र। सुशांत के बैंक खाते से एक और खुलासा, पावना फार्म हाउस पर हुई थी फिल्म छिछोरे की सक्सेस पार्टी, सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स का हुआ था इस्तेमाल।
गुरुवार को एम्स की टीम ने मुंबई गई टीम के साथ की बैठक, तमाम फॉरेंसिक सबूतों, विस्तृत रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर की बात। एम्स के फॉरेंसिक विभाग के हेड सुधीर गुप्ता के मुताबिक अगले हफ्ते अहम बैठक, उसी में तय होगा फाइनल मेडिकल ओपिनियन। सीबीआई अधिकारी भी बैठक में हो सकते हैं शामिल। सुशांत को लेकर बिहार में सूंघी सियासत, आरजेडी के विधायक बोले राजपूत नहीं थे बॉलीवुड के हीरो। सुशांत सिंह राजपूत को डोरी बांध करने मरना चाहिए, बोले वह राजपूत था, मुकाबला करना पड़े, राजपूत डोरी बांध करके मरता है बोले। आरजेडी के बयान को सुशांत के भाई ने किया खारिज, कहा ठीक नहीं है अरुण यादव की मानसिक हालत। अरुण यादव जी का जो है ना मानसिक स्थिति मुझे सही नहीं लग रहा है, इस तरह इसलिए वो इस तरह के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं और हमको लगता है कि उनका इस बार टिकट उकट भी कटने वाला है। आसनसोल में सुशांत को एक कलाकार ने दी श्रद्धांजलि, घर में मोम से बनाया सुशांत का पुतला। कई दिनों से जारी विवाद के बीच कंगना रनौत का नया ट्वीट, कहा मैं लड़ाकू नहीं, कोई मुझे लड़ाकू साबित कर दे तो छोड़ दूंगी ट्विटर। कंगना ने ट्वीट में लिखा मैंने कभी लड़ाई शुरू नहीं की लेकिन हर लड़ाई को खत्म किया। अब अनुराग कश्यप और कंगना में छिड़ी तकरार, खुद को शतरानी बताने पर अभिनेत्री पर किया तंज, कहा तुम चीन से जा भिड़ो। अनुराग कश्यप के तंज पर कंगना ने उन्हें बताया मंद बुद्धि, लिखा जब हमारी दोस्ती थी तब आप होशियार थे। कल कंगना ने अपने मुंबई के टूटे दफ्तर की तस्वीरें जारी की, कहा यह बलात्कार है मेरे सपनों का, हौसलों का, आत्मसम्मान और भविष्य का। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर जया बच्चन के बयान पर थम नहीं रहा विवाद, जया प्रदा ने किया पलटवार, कहा रवि किशन ने कुछ गलत नहीं कहा। आपके पार्टी से ही मुझे विरोध करके मेरे ऊपर एक महिला का, उनके अस्मिता को ठेस पहुंचा है, तब आपको जया जी को, जया प्रदा याद नहीं आई। महाराष्ट्र सरकार पर कंगना का एक और हमला, कहा हमसे रोजगार छीन कर मना रहे हैं बेरोजगारी दिवस। कंगना के हमले से संजय राउत ने किया किनारा, कहा मैं हूं गांधीवादी, ना बुरा देखता हूं, ना सुनता हूं और ना बोलता। मुजफ्फरपुर में उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर केस, 30 सितंबर को होगी सुनवाई। चीन से ताजा विवाद के बीच उत्तरी कश्मीर में एलओसी पर पहुंचे आर्मी चीफ एमएम नरवणे, पाकिस्तान के खिलाफ तैयारियों का भी लिया जायजा। सेना प्रमुख नरवणे ने पाकिस्तान के सीजफायर की जवाबी कार्रवाई की तारीफ की, जवानों से कहा हर हालात के लिए रहे तैयार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मिले आर्मी चीफ, घाटी की आंतरिक सुरक्षा पर की चर्चा। कश्मीर के करेवा इलाके में पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश का खुलासा, 52 किलो विस्फोटक बरामद। एक प्लास्टिक टैंक में रखे गए थे 50 डेटोनेटर, 2019 में हुए हमले वाली जगह से महज 9 किलोमीटर दूर सुरक्षा बलों को मिली ये कामयाबी। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार 52 लाख के पार पहुंचा, संक्रमितों का आंकड़ा 24 घंटे में 96,000 से ज्यादा नए मामले। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी 41 लाख के पार, करीब 84,000 लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में बीती रात 24 घंटे में 24,619 नए केस सामने आए, कुल आंकड़ा हुआ 11,45,840। कल रात जारी हुए आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में 24 घंटे में 4,432 नए केस सामने आए, 38 लोगों ने गवाई जान, कुल आंकड़ा 2,34,000 से ज्यादा। यूपी में 6,318 नए मामले दर्ज, 3,35,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। कर्नाटक में भी बेकाबू कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 9,366 नए केस सामने आए, 4,94,000 के पार हुआ कुल आंकड़ा। आईसीएमआर ने जारी किए कोरोना टेस्टिंग के आंकड़े, 16 सितंबर को पूरे हो गए 6 करोड़ टेस्ट। नांदेड़ की बीजेपी सांसद प्रताप पाटिल दोबारा कोरोना संक्रमित, खुद साझा की जानकारी। कर्नाटक के राज्यसभा सांसद अशोक गास्ती का कोरोना से निधन, प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने फिर की अपील, कहा मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का करें पालन। बरेली में हिंदू युवा वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष की हत्या, आरोपियों का सुराग नहीं। बिहार के किशनगंज में बह गया निर्माणाधीन पुल, अभी नहीं हुआ था उद्घाटन। अंबाला में शराब तस्करी का खुलासा, दो गोदाम से बड़ी खेप बरामद, शराब 3 तस्कर भी गिरफ्तार। बेगूसराय में गुटखा खरीदने के दौरान विवाद, दुकानदार समेत 2 की गोली मारकर हत्या। मेरठ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, आरोपी बदमाश जख्मी। अयोध्या में चंपत राय के खिलाफ गुस्से में साधु संत, बुद्धि शुद्धि यज्ञ का किया आयोजन। रायपुर में ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा।
सहारनपुर में कुल्हाड़ी से गला काटकर महिला की हत्या, दहेज एक्ट में 6 लोगों पर केस। यूपी के महाराजगंज में पुल का रेलिंग तोड़कर नदी में गिरी जीप, 2 लोगों का रेस्क्यू, तीसरे का सुराग नहीं। प्रयागराज में नशे में धुत दारोगा सस्पेक्ट, वीडियो हुआ था वायरल। नासिक में प्याज के निर्यात की पाबंदी के खिलाफ जारी है किसानों का आंदोलन, लगातार 3 दिनों से चल रहा है प्रदर्शन। दिल्ली में जंतर मंतर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन, किसी से जुड़े विधायकों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। राजस्थान के बाड़मेर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 5 लड़कियां और 2 दलाल गिरफ्तार। आगरा एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर, डबल डेकर बस पलटने से 1 की मौत, 20 लोग घायल। कानपुर में अवैध शराब के काले कारोबार का पर्दाफाश, अंग्रेजी शराब में मिलावट करने वाले 2 गिरफ्तार। उदयपुर प्रशासन ने लक्ष्मी विलास होटल को अपने कब्जे में लिया, कोर्ट ने 2 दिन पहले ही रद्द किया था विनिवेश। लखनऊ जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ एक और FIR दर्ज, मैनेजर ने लगाया अपहरण की धमकी और जान मारने की धमकी देने का आरोप। मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स में बाढ़ से जनजीवन ठप, 40 गांवों में मंडराया खतरा। मुंबई में 30 सितंबर तक धारा 144 लगाया गया, कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से फैसला। बरेली में फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग, 20 से ज्यादा दुकानें खाक। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से हिमाचल की टूरिज्म इंडस्ट्री को करीब 4000 करोड़ का नुकसान, सूबे के CM ने दी जानकारी। आज से SBI के ATM से कैश निकालने का बदला नियम, 10,000 से ज्यादा निकासी के लिए OTP जरूरी। SBI ग्राहक अब घड़ी से कर सकेंगे भुगतान, टाइटन ने योनो के साथ मिलकर लॉन्च की कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच। कोरोना संकट के बीच आर्थिक मोर्चे पर राहत की खबर, सरकार की कोशिशों के असर से NBFC की हालत में हो रहा सुधार। 2021 की शुरुआत में IPO ला सकती है ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट, $50 अरब हो सकती है कंपनी की वैल्यूएशन। जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने संभाला कामकाज, कहा सुधार के कामों पर होगा जोर। फ्लोरिडा, अलबामा और जॉर्जिया में तूफान से भारी तबाही, 1 की मौत, पुल और सड़कें बही। हरिकेन सैली की वजह से फ्लोरिडा के पेंसाकोला इलाके में हालत बिगड़े, बड़े हिस्से में भरा पानी। नाइजीरिया में बिजली के दाम को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा, लागोस में प्रदर्शनकारियों ने जमकर काटा बवाल। कोरोना संकट के बीच मेक्सिको में मनाई गई आजादी की 153वीं सालगिरह, राजधानी के मेन स्क्वायर पर शानदार जश्न। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।